सिमुलतला ट्रिप के पिछले एपिसोड में हमने लालडेंगा हाउस देखा और इसके इतिहास के बारे में जाना। उसके बाद लट्टू पहाड़ के बारे में जाना, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, और जाना कि इस जगह को मेडिकल कैपिटल क्यों बोला जाता था। आज के इस एपिसोड में चलते हैं धरहरा फॉल। यहाँ प्राकृतिक झरना बहता है और ये लालडेंगा हाउस से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले वाले एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। पहाड़ों और गांवों के रास्ते से होते हुए हम पहुंच रहे हैं धरहरा फॉल। अभी मैं आया हूँ धरहरा फॉल, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये धरहरा फॉल है। यहाँ से सीढ़ी बनाया गया है, अब सीढ़ी से ऐसे होकर के जाएंगे और नीचे जाकर के आप देख सकते हैं फॉल को। तो नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं। अभी यहाँ पानी कम है, लेकिन बरसात के मौसम में ये पूरा भरा रहता है पानी से, तब दिखने में और भी भव्य और सुंदर लगता है। नीचे आ चुके हैं और ये पीछे आप देख रहे हैं ये फॉल। ऊपर से तो पता नहीं चलता है नीचे फॉल कैसा है, ऊपर से आपको बहुत ही कम दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। यहाँ का नज़ारा चारों तरफ पहाड़ और उसके बीच से जो आपको पानी निकलता है झरने का, वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। राजा के महल से ये 9 किलोमीटर की दूरी पे है ये फॉल, और यहाँ आने के बाद आपको सुंदर लगेगा, लेकिन रास्ता गांव से होकर के यहाँ पे आता है। बहुत ही सुंदर पानी है, बहुत ही साफ पानी है, पूरा नीचे तक का दिख जाता है। अगर आपको इस फॉल में आकर के स्नान करना है तो वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाकर के आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं आकर के। वाटरफॉल देखने के बाद अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर मंदिर है दो, उसमें दर्शन करेंगे और देखते हैं कौन से भगवान का मंदिर है।
ये मंदिर बजरंगबली का है और इसके बगल वाला तो बंद है, पता नहीं कौन से भगवान का है, ये मंदिर भी बंद है। यहाँ का लोकेशन आप गूगल मैप में धरहरा फॉल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको राजा का महल और धरहरा फॉल दिखा दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में कुछ अलग लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।